इसका स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, खबर रायपुर से, जहां पर WHO की टीम आज कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी कि टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य में संचालित योजनाओं का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की टीम आज प्रदेश पहुंची थी। जिला अस्पताल, एम्स और टीवी नियंत्रण केंद्र जैसे तमाम जगहों का टीम ने निरीक्षण किया था। 12 नवंबर से रायपुर और बिलासपुर जिले के जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों और मेडिकल दुकानों पर जाकर टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, WHO की टीम आज कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी। टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य में संचालित योजनाओं का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की टीम प्रदेश पहुंची थी। जिला अस्पताल, एम्स और टीवी नियंत्रण केंद्र जैसे तमाम जगहों का टीम ने निरीक्षण किया था। 12 नवंबर से रायपुर और बिलासपुर जिले के जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों और मेडिकल दुकानों पर जाकर टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, WHO की टीम आज कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी। टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य में ये संचालित योजनाओं का जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO टीम पहुंची थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह से आज WHO टीम कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेगी टीवी मुक्त भारत बनाने के लिए, क्या लगता है, क्या कुछ खास रहने वाला है सपोर्ट में? देखिए, 11 नवंबर को जो WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम है वो 11 नवंबर देर शाम रायपुर पहुंची थी और 12 नवंबर से फिर अलग अलग टीमों ने वहां पर दौरा शुरू किया था। सबसे पहले टीम यहां पर कालीबाड़ी स्थित जो टीवी नियंत्रक केंद्र है वहां पर पहुंची थी। वहां पर पूरा प्रेजेंटेशन जो यहां की जिला प्रशासन की टीम है और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्होंने दिया था, टीवी के लिए किस प्रकार जो रायपुर है वो कैसा काम कर रहा है उसको लेकर यहाँ पर चीजें बताई गई थी। और इसके साथ ही राज्य को भी कवर किया गया था कि राज्य टीबी के मामले में किस प्रकार काम करती नजर आ रही है। रायपुर के साथ साथ जो WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम है वो रायपुर के साथ साथ बिलासपुर का भी दौरा उन्होंने किया था। और न सिर्फ टीबी नियंत्रक केंद्र बल्कि यहाँ जो एम्स है, जिला अस्पताल है, मेकाहरा है, DKS है, तमाम उन जगहों पर टीम गई थी जहाँ पर मरीज बड़ी संख्या में जाते हैं, मरीजों से भी बात की गई। इसके अलावा जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की क्या परेशानी है उसको लेकर वहाँ पर चर्चा की गई थी। तो पूरी विस्तृत रिपोर्ट आज कलेक्टर को इसकी सौंपी जाएगी और कई कमियां इसमें निकल कर सामने आई है। हालांकि जो है रायपुर की CMHO है मीरा बघेल, उन्होंने कहा था कि अगर कोई टीम आता है तभी कमियों के बारे में पता चलता है क्योंकि काम करते करते कमियां हमें पता नहीं चलती, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था। आज विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी और कमियों के साथ साथ जो सुझाव है वो भी वहां पर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कई सारी कमियां हैं वो निकलकर अस्पतालों से सामने आती है। और यहाँ शहर के अस्पतालों के साथ साथ जो ग्रामीण स्तर के अस्पताल हैं वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, मरीजों की क्या परेशानी है, सभी चीजों को जो WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम है उन्होंने देखा था। तो 15-15 की जो अलग टीम है वो रायपुर, बिलासपुर और तमाम ऐसे जगहों जहां पर अस्पतालों में खामियां निकल कर सामने आई थी उन जगहों पर दौरा किया है। तो आज विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी और ये बताया जाएगा कि कहां कमियां हैं और क्या सुझाव होंगे। हिम्मत, लगातार हम देखते आ रहे हैं इतने समय से वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, टीबी से बहुत सारे मरीज वहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। राज्यपाल भी पहुंची थी, वो भी मिली थी और जाना था लोगों का हाल, उसके बाद उन्होंने कहा था निराकरण की बात जिस तरह से की गई थी, तो उसके बाद अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सुधार आया है?
देखिए, अगर राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो टीबी के जो पीड़ित हैं वो बड़ी संख्या में निकल कर सामने आए हैं। पिछले एक साल की अगर तुलना की जाए तो 200 से 250 मरीज सिर्फ रायपुर में जो निकल कर हैं वो सामने आए हैं। प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो प्रदेश की स्थिति प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो टीबी के मरीज हैं वो सामने आए हैं। तो जिस प्रकार से अभी एक जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की टीम है वो एक तरीके से जो टीवी भारत मुक्त है एक अभियान उन्होंने छेड़ा है, तो मेन मकसद उनका यही है कि टीवी के जो संक्रमण है उसको दूर किए कैसे किया जाए, और खास करके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पीड़ित की संख्या बढ़ी है तो इस लिहाज से उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा था। और पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर टीबी के लिए काम स्वास्थ्य विभाग कर रही है, कुछ कमियां निकल कर सामने आई थी उस कमियों को बताया गया था और दूर करने के उपाय भी दिए गए थे। आज जो कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें कहा जाएगा कि जो ये आंकड़े बताए गए हैं उन आंकड़ों में सच्चाई कितनी है और क्या इंतजाम टीबी के लिए किए गए हैं। और कलेक्टर विस्तृत रिपोर्ट देखने के बाद निश्चित तौर पर कई दिशा निर्देश देते नजर आएंगे, क्योंकि कलेक्टर को रिपोर्ट मिलने के बाद वो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को जाएगी, फिर स्वास्थ्य विभाग उस पर गहन चिंतन करेगा और आगामी दिशा निर्देश क्या है हो सकते हैं उसको लेकर वो एक आदेश निकाल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत उस जानकारी को साझा करने के लिए।